हाथरस में पुलिस ने बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से दो तमंचे, कारतूस, चार मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर कई मामले दर्ज हैं। इसमें एक बदमाश पर 22 मामले दर्ज हैं, वहीं दूसरा बदमाश वांछित चल रहा था। पुलिस कई दिनों से इन दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। ये एक बहुत ही हार्डन क्रिमिनल है, इसके ऊपर हत्या, लूट ऐसे कम से कम 22 अभियोग पंजीकृत है। यही इन्हीं के ट्रायल में पेशी पे ये जाया करता था, जिसमें मौका पाकर के जाली काट करके ये फरार हुआ था। अलीगढ़ और हाथरस पुलिस को इसकी काफी टाइम से तलाश थी। हाथरस पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरा जो इसका अभियुक्त था वो इसी का एक साथी था, वो मथुरा से डकैती के प्रयास जैसे गंभीर आरोप में फरार चल रहा था। दोनों घायल हुए हैं, दोनों का उपचार चल रहा है, उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।